एक शेर है, खैर सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर लेगा कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। आप सबकी, मतलब अगर मैं पूछूं तो स्कूल कॉलेज वगैरह तो सभी गए हैं, नहीं भी गए हैं तो ऐसा अक्सर हो जाता है, आप सब में से कभी किसी की कोई किताब या कुछ ऐसा कुछ चोरी हुआ है कभी? कितनों का हुआ है? चलिए फिर तो शायद आप रिलेट कर पाए जो मैंने उसको लिखा है, मतलब जो मैंने लिखा है उसको। तो बस मेरे दिमाग में भी एक बार ये ख्याल आया था, क्योंकि मेरी भी कभी मतलब स्कूल के टाइम पे एक किताब चोरी हो गई थी, तो बस मैंने उसी पे कुछ लिखा है कि ये जो मेरी कविता है इसका नाम है चोरी हुई किताब। चोरी हुई किताब। तो ये स्कूल की बात है, ये स्कूल की बात है। उस किताब पर नाम मेरा लिखा था, उस किताब पर नाम मेरा लिखा था, जाहिर है कि मेरी थी, फिर भी कोई दूजा उसे चुरा ले गया। उस किताब पर नाम मेरा लिखा था तो जाहिर है कि मेरी थी, फिर भी कोई दूजा उसे चुरा ले गया। अब चोर कामिल था या ना समझ पता नहीं, पर एक बात है, तब भी ख्याल आया था, आज भी आता है कि इस चश्म में तो रहता होगा वो चोर भी, कि पढ़ ले समझ ले वो किताब। इस चश्म में तो रहता होगा वो चोर भी, कि पढ़ ले समझ ले वो किताब, पर मेरी तरह समझ पाएगा नहीं, क्योंकि वो किताब मेरी थी। कई दफा तो शायद उस चोर ने मेरा नाम देखकर मेरा नाम उस किताब पर से मिटाना भी चाहा होगा, ताकि ये पता ना लगे ना किसी को कि वो किताब मेरी है। तो कई दफा तो उस चोर ने मेरा नाम किताब पर देख उसे मिटाना भी चाहा होगा, मिटाकर भी देखा होगा, पर कुछ दाग घिसने से गए नहीं होंगे, कुछ दाग घिसने से गए नहीं होंगे, फिर मेरा नाम उसने काट ही डाला होगा। कुछ दाग घिसने से गए नहीं होंगे तो मेरा नाम उसने काट ही डाला होगा, फिर उस जगह वो अपना नाम लिखकर खुश हुआ होगा। पर पन्नों की, उस किताब के पन्नों की नोके भी तो मुड़ी हुई थी, उस किताब के पन्नों की नोके भी तो मुड़ी हुई थी, क्योंकि किताब तो मैंने पढ़ी हुई थी। तो कोशिशें तो बेकाम ही कर रहा था वो, किताब मेरी थी। उस किताब का तीसरा चौथा सहफा मैंने हल्का सा फाड़ रखा था, उस किताब का तीसरा चौथा सहफा मैंने हल्का सा फाड़ रखा था, उसने और सहफे भी फाड़ दिए होंगे। उस किताब का तीसरा चौथा सहफा मैंने हल्का सा फाड़ रखा था, उसने और सहफे भी फाड़ दिए होंगे, पर उस तीसरे चौथे सहफे के फटे हुए टुकड़े मेरे पास थे। साबित क्या करना था, किताब मेरी थी। उस किताब के अंदर रखे, उस किताब के अंदर रखे कुछ कोरे पन्ने, मेरे आंगन के फूल की एक पंखुड़ी और एक बोरियत में बनाया हुआ स्केच उसने फेंक दिए होंगे। उस किताब के अंदर रखे कुछ कोरे पन्ने, मेरे आंगन के फूल की एक पंखुड़ी और एक बोरियत में बनाया हुआ स्केच उसने फेंक दिए होंगे, ताकि ये पता ना लगे किसी को कि वो किताब मेरी थी। एक दिन उस चोर को पकड़ लिया मैंने, एक दिन उस चोर को पकड़ लिया मैंने, मैंने कहा सुनो
ये किताब मेरी है। एक दिन उस चोर को पकड़ लिया मैंने और उसे कहा कि सुनो, ये किताब मेरी है। उसने किताब पर अपना नाम दिखाया, फटे हुए सहफे दिखाए और बोला, नहीं। मैंने कहा, सुनो, धूल जम गई है इस पर, तुम्हारी होती तो ये हश्र ना होता इसका। वो चुप हो गया पर माना नहीं कि वो किताब मेरी थी। आज के दिन जब तुम्हें आज के दिन जब मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देखती हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत मुझे मेरी उस चोरी हुई किताब से लगती है। बस एक आखिरी शेर जिंदगी के नाम कि जिंदगी से आखिरी मुलाकात कुछ यूं हो, जिंदगी से आखिरी मुलाकात कुछ यूं हो कि पहली मुलाकात का अफसोस ना रहे, जिंदगी से आखिरी मुलाकात कुछ यूं हो कि पहली मुलाकात का अफसोस ना रहे, जब जिंदगी हंसकर अलविदा कहने लगे तो उस अलविदा का रूह पर बोझ ना रहे। सो दैट्स इट, थैंक यू।